और ट्राइड तो गाइज यार हम लोग आ चुके हैं जी एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप सब लोग को पहले तो सबसे ज्यादा वेलकम एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। आज का जो ये ब्लॉग है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग आप लोगों को लेकर जाएंगे जी एक इवेंट पर। इवेंट जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो आप सब लोगों को लेकर चलेंगे इवेंट पर। मैं आज नहीं जा रहा इवेंट पर, मैं एक दो दिन पहले गया था। मैं उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि छोटे मोटे क्लिप्स बनाए थे मैंने वहां पर जाकर, तो आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। तो फिलहाल अभी जो है हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो कर दें लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि आप लोग ऐसे ही मजेदार से लोग मिलते रहें। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल को तो उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दी होगी। तो उसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपको मेंशन हो रही होगी। तो आप लोग जल्दी से जाकर इंस्टा पे फॉलो करें। मैं जो व्लॉग्स आपके पास अभी आ रहे हैं मैं उसकी जो है ना स्टोरी वगैरह पहले ही लगा देता हूँ, अपडेट रहता हूँ जी मैं इंस्टा पे। तो आप लोग मस्ट फॉलो करें मुझे इंस्टा पे, आईडी आपको मेंशन हो रही है। तो जल्दी जल्दी से जाएं और वीडियो को आगे वापस देखें। इवेंट के बारे में आप लोगों को बताते चलें कि मैं एक दो दिन पहले गया था ये इवेंट पर। वो इवेंट है किस चीज़ का था वो अब अगर आप लोगों को बताएं तो वो था इवेंट जो है ना हमारे जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्राउड मोमेंट थी जो है ना हमारे क्लब के लिए। क्लब मतलब क्रिकेट क्लब, आपको पता होगा जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं ना फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैं एक क्लब की तरफ से अभी खेलता हूँ क्रिकेट क्लब की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही है घर वाली बात है। तो अभी जो है फिलहाल आप लोगों को बताते हैं कि वो तो स्टोरी होगी ना लैदा वो मैं आप लोग एक्सप्लेन करूँगा मैं किस क्लब से खेलता हूँ। उसके अलावा जो मैं आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ कि अगर आप लोग भी क्रिकेट लवर हैं तो आप लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए और वो ये चीज़ है कि एशियन गेम्स आप लोगों को पता होगा कि 2023 जो है ना एशियन गेम्स वो स्टार्ट हो रही है 23 सितंबर से और उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान टीम भी इस साल जा रही है। तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए और उसके अलावा जो है ना हमारे लिए खास करके ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि उस टीम जो मतलब कि पाकिस्तान की नेशनल लेवल टीम है एशियन गेम्स के लिए जो जा रही है उसमें जो है हमारे क्लब का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लब का एक मेंबर भी जा रहा है। आप लोगों को बताते चलेंगे साथ साथ वो मेंबर कौन है। उसी की जो है ना हम लोगों ने खुशी में पार्टी रखी थी, उसी पार्टी में हम लोग गए थे इवेंट पर। तो आप लोगों को साथ साथ इवेंट का भी बताते हैं और बताते हैं कि वो मेंबर कौन है और क्या नेम है उनका। आप वो भी अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप लोगों को भी पता होगा, तो आप लोगों को भी पता होगा एशियन गेम्स का जो है ना वो जो स्क्वाड होता है पाकिस्तान नेशनल टीम का वो तो बजरिया आप लोगों को बता दिया होगा कि न्यूज़ चैनल पर या आप लोग अगर फॉलो करते हुए एशियन गेम्स को तो आप लोगों को पता चल गया होगा। स्क्वाड में एक मेंबर है जिसका नाम है जी मोहम्मद अखलाक। मोहम्मद अखलाक जो है वो हमारे क्लब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके क्लब की तरफ से खेलता हूँ। वो हमारे क्लब की बहुत देर के खेल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो है इस दफ़ा जो है ना हमारे क्लब का नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं जी एशियन गेम्स के लिए चाइना के लिए और वो इंशाल्लाह कल या परसों यहाँ से रवाना भी हो जाएंगे। और उसके लिए जो है ना हम लोगों ने पार्टी रखी थी, हमारे क्लब मेंबर जो है ना हमारे क्लब के कोच सरबराज हैं उन लोगों ने ना पार्टी रखी थी, हम लोग वहाँ पर गए थे। तो आप लोगों को साथ साथ बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तब तक उससे पहले आप लोग ये वीडियो देखें। अगर किसी को मोहम्मद अखलाक के बारे में नहीं पता तो आप लोगों को तस्वीर शोर हो रही होगी, आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं या पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन गेम्स लेकर सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बगैर टाइम जाए अगर ये वीडियो की तरफ चलते हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो की तरफ। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इवेंट पर। And I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward and never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I think इवेंट पर पहुंच चुके हैं हम लोग और हम लोगों ने यहाँ पर जो है ज्यादा व्लॉग नहीं किया मैं। लोगों ने यहाँ पर जो है ज़्यादा व्लॉग नहीं किया मैं, आपको इस पर कम ही नज़र आऊँगा तो बहुत थोड़ा नज़र आऊँगा, लेकिन आप लोग वीडियो एंजॉय करें और स्पीचेस वगैरह देखें जो इस मौका पर की गई थी क्योंकि बहुत ही बड़ा मोमेंट था हमारे लिए ये। Yeah.
भाई दोस्त बेटे बैठे ने, यकीन जानो मैं अज अल्लाह के घर में बड़ा खुश हूँ। खुश क्यों ना हो, अल्लाह ने साडे तो बड़ा कर्ज किया और सानू एक इरादा दिता कि कामों की का एक बेटा जेड़ा नूर क्लब की तरफों खेल के ये इन्ह सारे प्यार किया, मुहब्बत की, शफकत की, कामल किया, सिर से हाथ रखा हर लिहाज का इन्ना प्यार किया कि अपने पुत्रों भाइयों को बस प्यार किया तो गवां दिखा। जो मैनू किसी मिलना आखना इसहाक साहब ताडा बेटा कौमी खेलेगा, इंशाल्लाह ताडा बेटा कौमी खेलेगा, तो मैं कहना आमीन। तो अल्लाह की मेहरबानी नाल मेरे बेटे का नाम कौमी आ गया। अखलाक वास्ते सबक ये आ, पुत्र इन्ना बड़ा प्यार किया, बड़ा काम किया, बड़ा तेरे नाल साथ किया, टाइम थोड़ा जी गमा लेना इन्हें बुला दें। तो यार ये थोड़ी बहुत स्पीचेस थी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो है ना हमारे लिए प्राउड मोमेंट है और इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसके लिए भी क्वालिफाई करेंगे। हम दुआ कर सकते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में और उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है, कितने लोगों ने मेहनत की है। हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे इलाका का भी, जो एक जो हमारे इलाके से भी हैं गुजरांवाला से और उसके अलावा जो है वो हमारे क्लब मेंबर भी हैं, तो इससे बड़ी प्राउड की बात क्या हो सकती है। तो अभी जो है स्पीचेस वगैरह आप लोगों ने देखनी, इसके बाद हम लोग गए थे जी खाना खाने, तो अभी आप लोगों को रेस्टोरेंट में जाकर मिलते हैं। Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer, maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today, without you I never could have moved away. But now I see what you teach, I do believe I always should have stayed, yeah. खाना शाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठे और वहाँ पर मैंने ये छोटा सा क्लिप जो है ना आप लोगों को अपडेट देने के लिए कि वो आप लोग देखें और उसके बाद जो हम लोग ब्लॉग करते हैं जी एंड। तो यार गाइस अभी जो है ना फिलहाल ऑल डन हो चुका है, खाना शाना खा लिया हुआ है और जो सेरेमनी थी वो भी कम्प्लीट हो चुकी है। तो अभी फिलहाल देर है सिर्फ हम लोगों को जाने की, फिलहाल अभी हम लोग निकलते हैं थोड़ी देर के बाद और फिर आपसे घर जाकर मिलते हैं और आपको पूरी कहानी डिटेल में बताते हैं। फाइनली फिर हम लोग आ चुके थे घर और घर आकर काफ़ी देर हो चुकी थी, तकरीबन 1 या 1.5 बजे के दरमियान हम लोग घर पहुंचे। तो मैं ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर सका, अगले दिन मैं कॉलेज गया, फिर अगले दिन कॉलेज गया तो मैं खुफियत की वजह से मैं ब्लॉग नहीं था बना रहा और अभी भी जो है ना फिलहाल मैं रात के 2 बजे ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं वादा कर चुका हूँ जी डेली ब्लॉगिंग का, लेकिन मुझसे नहीं हो रही, क्यों पता नहीं क्यों नहीं हो रही, खुद मैं ऐसे काम क्यों करता हूँ, पहले वादा करके फिर ऐसे दूसरे से। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों को डेली ब्लॉग्स मिलते रहें, एक या एक दिन बाद मिलते रहेंगे आप लोगों को। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।